मुर्दा जब जलाया जाता है हिंदुओं का मरने के बाद, उससे वायु प्रदूषण होता है कि नहीं? लकड़ी भी जलती है। अब ये मोदी जी हैं, ये इनको नहीं समझ में आ रहा कि तो दंगा फसाद करा रहे हैं सबके साथ। मुसलमान लोग बदतमीजी से करते हैं, उनकी लड़की को बदतमीजी से करते हैं सब। ये भगवा लोग जो है, अवतार में तो हर लोग शामिल होते हैं, सारे लोग शामिल होते हैं, बताइए कहानी होते हैं। मोदी साहब तक शामिल हुए हैं, पांच मजान होगी तो बदल होगी, इसमें गलत नहीं है। माइक से कोई परेशानी नहीं है हमको, हमारी और आँख खुल जाती है क्योंकि हम मंदिर में घंटा बजाने चले जाते उस टाइम। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं शाहीन बाग के इलाके में। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से जो इस समय लाउड स्पीकर या अजान को लेकर जो पूरी तरह से बातें चल रही हैं, उससे लोगों का क्या कहना है, क्या पूछना चाहते हैं? ये जो पूरा लाउड स्पीकर का मामला चल रहा है, मस्जिद की लाउड स्पीकर हटा दो, या मतलब एक तरह से एक कुछ भगवाधारी ये लोग कहते हैं कि ये 10-10 लाउड स्पीकर लगाते हैं या फलाना चीज़ है, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदू मजहब के लोग भी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, माइक से कोई परेशानी नहीं है हमको, हमारी और आँख खुल जाती है क्योंकि हम मंदिर में घंटा बजाने चले जाते हैं उस टाइम पर जब ये अजान देते हैं। अब ये खुद लोग जो दूसरे तबके के लोग हैं वो इन लोगों को भड़काते हैं, परेशान करते हैं, और कोई परेशानी नहीं है, किसी को भी अजान से कोई परेशानी नहीं होती है। आज बताइए कितनी सालों से अजान होती है, माइक पे ही होती है ना, सवेरे घंटा बजता है मंदिर में, कितनी सालों से बजता है, किसी को परेशानी नहीं होती है। परेशानी क्या होती है? RSS वालों को, मतलब ये एक तरह की सियासत है। सियासत या असल में क्या है कि आजकल क्या है कि ये इलेक्शन आ रहा था MCD का, इनको माहौल थोड़ा सा बनाना था, ये बना रहे हैं, बनाने दिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। पब्लिक सब जानती है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू भी इस बात को जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, ये दूसरे कोई नहीं लड़ेगा इंशाल्लाह, ये दूसरे मिल के रहेंगे। आप देखिए, आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि भाई अवतार भी चल रहा है, साथ अवतार भी कर रहे हैं, है बिहार के CM नीतीश कुमार जी, देखिए साथ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक BHU में कल या दो दिन की पहले की बात है, BHU में जो इफ्तार पार्टी हुई वहाँ पर उसके चेयरमैन जो कि सचिव थे वो वहाँ पहुँच गए, तो उसके बाद वहाँ पे जो छात्र संगठन था, हिंदू संगठन था, वही कहने लगा कि पहली बार हुआ है कि ये सर शामिल हुए हैं, इसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अवतार में तो हर लोग शामिल होते हैं, सारे लोग शामिल होते हैं, बताइए कहानी होते हैं, बताइए मोदी साहब तक शामिल हुए हैं, है कौन नहीं होता शामिल, बताइए है। जब ये बताइए पाकिस्तान में मोदी जी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी को, वो भी भाई हैं उनके, भाई मिलने जाते हैं, दोस्ती है। एक हिंदुस्तान में ऐसा मामला चल रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्यों, इससे पहले था ही नहीं, इससे पहले कोई था, एक तरह से एक पूरी अफवाह फैलाई जा रही है। और अब तो जिस तरह से जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चला, उस दिन हनुमान जयंती के दिन कह रहे हैं कि एक तरफ से पथराव हुआ, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश की गई उसके ऊपर, फिर ये भी कहा गया कि जो एक पक्ष का कहना है कि मस्जिद के ऊपर से पथराव हुआ, एक पक्ष का कहना है कि उस तरफ से पथराव हुआ, किसी के हाथ में तलवार थी, फलाना चीज़ें। उसके बाद जो पूरी सियासत हुई है और फिर बुलडोज़र चला, अब शाहीन बाग में कह रहे हैं कि बुलडोज़र चलाएंगे। देखिए शाहीन बाग में बुलडोज़र कहाँ चलाएंगे, बताइए आप, रोड का मैटर था, दरवाजे वाले हमारे मेन रोड पर बैठे हुए थे, उन्होंने बेचारों ने कुछ साफ़ कर लिया, खुद हटा लिया, उनको दिख रहा है भाई हमारी गलती है, उन्होंने साफ़ कर लिया, बाकी बिल्डोजर कहाँ चलाएंगे बताइए आप, कोई जगह तो है नहीं हमारे पास बिल्डोजर चलाने की, किसान की ज़मीन है, ठीक है, रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है यहाँ पे, किस पे चलाएंगे आप? जैसे कि जो दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, उनका कहना है कि यहाँ पर शाहीन बाग में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, और जहांगीरपुर में भी ऐसी ही बातचीत चली थी कि वहाँ ऐसे रहते हैं फलाना चीज़ें, तो इसे लेकर एक उन्होंने कहा कि एंड SDMC महापौर जो है उन्हें पत्र लिखा कि हाँ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, इस अवैध निर्माण इसे बुलडोज़र से ढहाना है, अवैध निर्माण को हटाना है। या कोई ऐसे लोग नहीं रहते हैं यहाँ बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, यहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ के लोग तो रहते ही नहीं यहाँ पे, जो बता रहे हैं आपको
ये सब जो है सियासत है, कुछ भी नहीं है। आप कुछ चेक करो, आप इंक्वायरी करो, आप तो मीडिया से हैं, आप कुछ चेक करो। हम कहा के ये बाबर भाई बुलंदशहर के हैं, ये भाई हम बुलंदशहर के हैं। आप ये बताइए कौन सा आदमी आपको नजर आ रहा है? कोई आदमी आपको नजर नहीं आ गया यहाँ पे? यह सब पुराने हैं। मुझे 40 साल हो गए रहते हुए, बताइए शाहीन बाग में। 32 साल हमें भी हो गए, 32। हाँ जी, काले गांव में रहते थे पहले किराए पे, फिर यहाँ आके अपना ले लिया। ये देखो, ये हमारे मेरठ से रहने वाले हैं चांद भाई, ये मेरे सामने सामने बड़े हो गए। तो आप कहते हो यहाँ पे फलाने लोग बड़ा रहे, कोई यहाँ पे नहीं है। इंटरव्यू लीजिए चांद भाई का। एक सर, मतलब जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ दिनों से, महीनों से, जब से खास करके तो रमजान जब से शुरू हुए हैं, अजान हो और फिर हिजाब, महिलाओं के हिजाब को लेकर कर्नाटक में जो कि शुरू हुआ, उसके बाद लाउड स्पीकर, ये सब क्या ये एक अल्पसंख्यक समुदाय के, मतलब किस तरह से उन्हें? मैडम ये कुछ नहीं है, सियासत है, ये आप भी जान रहे हो, आप भी देख रहे हो चीज़ को, ये सब सियासत है। इलेक्शन का माहौल चल रहा था, अभी इनको ये बीजेपी हार रही थी, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, और इसलिए ये माहौल बना रहे हैं अपना। ये पब्लिक भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं, सारी मीडिया जानती है चीज़ को, ये कर क्या रहे हैं सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। और भाई देखो, ऐसा इनके इन्होंने सत्ता पकड़ ही ली है, इनके यहाँ से सत्ता जा कर रही है। अब ये विवेकार बदतमीजी करते हैं, उद्यम करते हैं, झगड़े करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? ये जीत ही रहे हैं खुद भी। सर मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदू है या मुसलमान है, आम लोगों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, या हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं हमारे बराबर में, हमारे दिक्कत हमें कोई हमारे बराबर जसोला गांव है, इनको कोई परेशानी नहीं। जाके आप जसोला गांव में इनको करे आइए, इंक्वायरी करिए भाई, इन लोगों से, मुसलमानों से, शाहीन बाग या आपके गाँव वालों से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है हमें। और हमारे यहाँ थाने में मालूम कर लिए, थाना हमारे यहाँ कोई मुसलमान को दिक्कत है? वो चाहते हैं हमारा ट्रांसफर ही मत कर, यही रहने दीजिए हमें। सियासत के सिर्फ जुल्म है, सिर्फ सियासत के मामला। ये जो जसोले वालों के खाना पीना भी साथ में जसोले वालों से हमारा, हाँ आना जाना है। हाँ जितने गुजर भाई हैं हमारे, सबसे आना जाना हमारा। भाई देखिए, उनके साथ हमारा उठना बैठना आज भी है, कल भी है, 40 साल से है, हमारा लेना देना भी है, खाना पीना भी हम साथ खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। ये तो भेदभाव जो है ना, ये बस नेता लोगों ने कर रखा है। हमने ये शाहीन बाग वाली सब जसोला गांव वाले से ली, जसोला गांव। कब से रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं तकरीबन 25 साल के करीब से। क्या नाम है आपका? नाम बाबर है मेरा, मैडम बाबर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सियासत पूरी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके जो जुमले होते हैं या लोग होते हैं वो करवाते हैं, असामाजिक तत्व जो उनके लोग होते हैं, जैसे जो भी अभी आपने अयोध्या में नहीं देखा, पता तो लगी क्या हुआ आपको, ऐसी लोग आप कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा तो सर, मतलब जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला और उसकी हवा शाहीन बाग में, कोई मैडम मां दो बार जुलूस निकल चुका था, कोई मैटर ही नहीं था, ये आपकी नॉलेज में भी है? जी सर, मतलब मेरा तो कुछ लोग जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा। उसके बाद ड्रामा किया, कुछ लोग आए ड्रामा किया, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद आपने सही कहा, उसके बाद वो तिरंगा यात्रा निकाली गई, दोनों पक्षों ने निकाली, बड़ी सौहार्दपूर्ण थी। तो मतलब उसके बाद, लेकिन उसकी जो हवा यहाँ तक कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा शाहीन बाग हो या आसपास के कुछ और, शाहीन बाग वगैरह काहे के लिए बुलडोजर जाएगा, क्यों चलेगा बिल्डर, क्या रीजन है चल जाएगा ये बताइए। ये यहाँ रजिस्ट्री है, किसानों की जमीन है, कोई DDA MCD की जमीन नहीं है मैडम जी, सबको अलॉट हो जी। इस बिल्डिंग इस किसानों ने इसमें से मोटेशन चढ़ाई हुई थी, दागे खारिज कराया हुआ था, बसावत घर चढ़ाई हुई थी, किस पुछ पे आएंगे, कोर्ट जाएंगे पहले, उसके बाद बात करेंगे इस मुद्दे के लिए। सर जैसे ये लाउड स्पीकर को लेकर है, तो इसमें जो कोर्ट के आदेश है वो किस तरह से, किसके लाउड स्पीकर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मतलब जैसे कहते हैं कि और जगह हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम, लाउड स्पीकर मतलब सर कहने का मतलब ये है कि लाउड स्पीकर की कुछ लिमिटेशन होती है? नहीं हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की भी, क्योंकि हमारी सारी टोटल मुस्लिम बैंक है। शाहीन बाग में कोई, शाहीन बाग ओखला में कहीं दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, लाउड स्पीकर लेकर कोई परेशानी, मतलब ये सिर्फ लोगों का अफवाह है ये नहीं यहाँ कोई मैटर नहीं, ठीक है ओके। साफ है लोगों का कहना है कि यहाँ पर शाहीन बाग में अजान के जो लाउड स्पीकर है या फिर
जो जहांगीरपुरी से बुलडोजर की जो हवा यहां तक शाहीन बाग तक पहुंच रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहां अतिक्रमण होगा। इसको लेकर यहां पर ऐसी कुछ बातें नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह की तरह है। और कुछ लोगों से बात की, सर आप क्या नाम? बुरे नाम है बुरे जी। अच्छा, तो जो ये बुलडोजर की हवा को लेकर बातचीत चल रही है, इसे क्या कहते हैं? हम तो ये कहते हैं मतलब ना चले यहाँ पे, मतलब अच्छा है, क्योंकि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, मतलब जो गरीब आदमी है, बेचारे कहाँ पे जाएंगे, कहाँ रहेंगे जाके। क्या काम करते हैं? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, कारपेंटर। अच्छा, 6 नंबर पे काम करते हैं? नहीं, यहीं करता हूँ, बाहर नाइट टाइम काम करता हूँ। ये गलत है, ये गलत है सब। हाँ, हम तो कहते हैं मतलब नहीं हो वैसा काम, मतलब नहीं, क्योंकि सब तबाह हो जाएगा, मतलब कहाँ रहेंगे मजदूर आदमी, मजदूर लोग जिनका अपना मकान है वो कहाँ रहेंगे? आप कितने सालों से रहे? मैं यहाँ पे 10 साल से जी। आपका सब रेंट पे रहता हूँ। अच्छा, रोजगार वगैरह सब यहाँ पर? हाँ। दिलशाद। क्या करते हैं? काम करता हूँ। किस चीज का काम? कारपेंटर का। अच्छा, तो यहीं रहते हैं आप? नहीं, रहते दोनों भाई। मतलब ये जो पूरा मामला है अजान को लेकर, या फिर अजान को लेकर, या फिर किसी, मतलब जो पूरा चल रहा है रमजान के बाद हिजाब हो गया, या जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ये सारा मामला उठाया जा रहा है, इसे क्या ये सियासत है या फिर सच में कुछ ऐसा है? सियासत है, ये सियासत ही उठाई जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल ये जो है गलत तो है ही, खैर अजान को लेकर ये जो है इनकी राजनीति जो है इनकी गलत है, इनका जो मतलब नजरिया चल रहा है इनका अजान को लेकर, ये मुद्दा बनना जा रहा है मुसलमानों को। हाँ, ये गलत है सब भाई। देखो, मुसलमान भी है कि हिंदू भी है कि, ये तो सब धर्म, धर्म तो सबका अपना अपना एक ही है, पर ये गलत है सब, ये लोग कर रहे हैं सब गलत है जी। तो हम तो कहते हैं मतलब ऐसा नहीं हो गए, मतलब कुछ ये ऐसा काम नहीं करें, मतलब तो अपना सब मिलजुल कर रहे हैं। मतलब जो महिलाओं के लिए हिजाब का जो मामला है, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? महिलाओं को देखो, अभी एक जगह मतलब देखा था मैंने मीडिया पे, वो मतलब लड़की के साथ दंगा उगा कर रहे थे जो भगवा वाले होते हैं ये। हाँ, तो ये चीज़ गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबकी मेन बहन हूँ, सबकी एक ही है, तो ये चीज़ गलत है बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये पूरी तरह से जो आम लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों का सियासत उपयोग करें ज़रूर, मतलब अपना इस्तेमाल। अब इसमें देखो, मैं कुछ कह नहीं सकता, अब मैं तो कह तो मतलब सब सही तरीके से रहने, मिलजुल के रहे सब लोग। अब ये मोदी जी हैं, ये इनको नहीं समझ में आ रहा, सब सब एक तरीके से रखे हैं, सब सब कुछ सही से रखे हैं, ये तो दंगा फसाद करा रहे हैं सबके साथ, मुसलमानों को बदतमीजी से करते हैं, उनकी लड़की को बदतमीजी से करते हैं सब, ये भगवा लोग जो हैं गलत है सब। ये तो सरकार का मतलब ये होता है, जनता के हाथ में होती है सब, तो जनता कहेगी तो मतलब गिरा रही, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं गिराएगी। रमज़ान में एकदम से ये सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शुरू हो जाता है, तो ये क्या एक साजिश की तरह है? नहीं देखो, ऐसा तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पर मेरा कहना मतलब तो ये है, ऐसा ना करें ये लोग। हाँ, अभी कह रहे कि ना मैं माइक उतरवा देंगे, ये करवा देंगे, ये गलत है भाई। तुम्हें मंदिर पे माइक बना तो बजाओ, ठीक है, कोई एलर्जी नहीं है। मस्जिद पे अजान हो रही है, उन्हें क्या दिक्कत है? 5 टाइम अजान होगी तो वो तो होगी, इसमें गलत नहीं है, तो उनको क्या दिक्कत हो रही है अजान होने से, बताओ, कुछ दिक्कत है? वायु प्रदूषण होता है कि नहीं? मुर्दा जब जलाया जाता है हिंदुओं का मरने के बाद, उससे वायु प्रदूषण होता है कि नहीं? लकड़ी भी जलती है और चिता भी जलता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जाता है इसमें, उससे नुकसान नहीं है? उसके लिए हम लोग ऐतराज के लिए, हम लोग कोई ऐतराज नहीं, इसलिए उसका धर्म है। आपका कहना है कि पर्यावरण को भी नुकसान? हाँ, इस तरह से सोचिएगा तो सबको ऐतराज करना होगा, करने का मतलब कि धर्म है अपना, उनका रीति रिवाज है, उस पर कोई ऐतराज नहीं, आज तक किसी मुसलमान ने उसके विरुद्ध नहीं बोला। हाँ, इसलिए कहने का मतलब यह है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ले करके चलना चाहिए। अच्छा, ये सब है इलेक्शन का खेल, यहाँ NCD है और बाकी जो राज्य में हो रहा है सब जगह चुनाव होने वाला, आपको मालूम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जहाँ जहाँ हो रहा है, ये सब जगह चुनाव होने वाला है, तो ये है चुनाव का स्टैंड, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि जैसे मतलब हिंदुओं में अंतिम संस्कार होता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन क्रियाक्रम तो दोनों पक्षों में ही होता है, जैसे इसमें यहाँ जमीन में गाड़ा जाता है, समझ ना, कब उसके लिए तो जमीनें भी तो अलॉट करनी पड़ती है। जमीन एक जगह अलॉट हो गया, उसमें 70-70 मुर्दा रहता है एक ही जगह पर,
जी ऐसा नहीं है कि नहीं, 70 मुर्दा उठेगा एक कबर से, समझ ना, तो इसलिए वो इसकी बात नहीं है। और जब चीता जलता है उसमें कितनी लकड़ी जलती है, कितना उसका इल होता है, कितना पर्यावरण, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने उस पर एतराज़ नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सबका अपना अपना धर्म है, अपना रीति रिवाज है, तो इस तरह से मतलब कि नहीं करना चाहिए। तो आपका कहना है कि धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुँचा, ये सब है इलेक्शन का स्टैंड, 2024 का तैयारी है, स्टेट का जो इलेक्शन है सबका तैयारी है, लेकिन आप अगर कोई चीज़ हासिल करने के लिए, जैसे मान लिया आप नौकरी पाने के लिए चोरी करते हैं तो अच्छी बात नहीं ना है, है ना, जो तरीका है स्वस्थ तरीका है उस तरह से आप आइए, गलत तरीके से नहीं आइए। ये जो इलेक्शन हाई स्टैंड इलेक्शन का 2024 का भी तैयारी है, और इस स्टेट का हिंदू मुस्लिम बटेगा, 80% हिंदू एक तरफ चला जाएगा, 20% मुसलमान रह जाएगा, उसी खेल में अपना वो जीतेगा, यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। इसी तरह से अमित शाह को एक फार्मूला मिल गया वहाँ गुजरात से, और उसी फार्मूला को पूरा इंडिया में दोहरा रहे हैं, लेकिन अब फार्मूला उनका फास्ट हो चुका है, जनता समझ चुकी है, हिंदू जनता भी समझ चुकी है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, बेरोजगारी इस कदर है, महंगाई इतनी है, समझ ना, आदमी का कमर टूट रहा है, कोरोना ने हालत ख़राब कर दिया सबका, नोटबंदी ने हालत ख़राब कर दिया, तो अब लोग समझ रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है, समझ ना, बहुत सारे हिंदू लोग इसके खिलाफ में आ रहे हैं, बीजेपी के स्टैंड में गुंडागर्दी के खिलाफ। आपका कहना है कि जो महंगाई के या बेरोजगारी के मुद्दे हैं उसे दबाया जा रहा है, और ये जो अजान या फिर हिंदी मुस्लिम, इसलिए कि उस मुद्दे पर वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, क्लियर भाई, उनको काम तो करना नहीं है, गुंडाई करना है, रिश्वत लेना है, MCD में जाके देखिए कितना रिश्वत लेते हैं, समझ ना, और बस रिश्वत लेना है, गुंडाई करना है, बस यही काम है उनका, तो वो टिक नहीं पाएंगे, मतलब नौकरी दे नहीं पाएंगे, महंगाई कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो बस ये सबसे आसान फार्मूला यही है, हिंदू मुस्लिम करा दो, तनाव बढ़ा दो, उसी में इलेक्शन जीत जाओ, है इलेक्शन का स्टाइल, लेकिन ये गलत तरीका ही है। आपको जैसे हम बताया कि आपको नौकरी पाना है तो चोरी करके नौकरी नहीं पाइए, तरीका से कहिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें चोरी करके पास नहीं कीजिए, सही तरीके से होइए, तो सही तरीके से इलेक्शन लड़िए, मान लो यही होगा कि आप हारिएगा, मान लो BJP एक बार हार जाएगी फिर आएगी, समझ, लेकिन स्वस्थ तरीके से काम होना चाहिए।